देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजा पार्क सब जोन की डायमंड जुबली में 21 महातपस्वी वरिष्ठ बहनों का महासंगम। साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापित जयपुर राजा पार्क सब जोन को राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं करते 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही सब जोन प्रभारी बीके पूनम के निर्देशन में सब जोन के सेवा केंद्रों की मुख्य 21 वरिष्ठ बीके बहनों का सम्मान समारोह भी सम्पन्न हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके उषा ने भी शिरकत की। बहुत छोटी सी आयु में बाबा के सामने आए और बाबा ने ही अपने वरदानों से सींचा आपका जीवन। मम्मा ने भी अपने वरदानी बोल से आपके अंदर वो शक्ति को जागृत किया और दिखने में भले छोटे लेकिन फिर भी काम बड़े करना आरंभ किया। और निर्मला दीदी के बाद तो आपने यहाँ की कमान संभाल ली। आप तपस्वी बहनों ने कितनों का जीवन बनाया, कितनों के आंसू पहुंचे, कितनी दुखी आत्माओं को सांत्वना दी, ये अद्भुत कार्य। और राजस्थान मरुभूमि मरुभूमि में कोने कोने में जाकर अध्यात्म की अलग जगह, जो बहने पर्दा में रहती थी, जो बहने अशिक्षित थी, रूढ़िवादी थी, जकड़ी हुई थी बेड़ियों में, उनमें इन्होंने शिक्षा का अंकुर डाला और उनकी चेतना। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संगीत गुरु रोहित कटारिया जी ने सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात राजा पार्क सब जोन की अब तक की सेवाओं को एक संक्षिप्त वीडियो द्वारा प्रकाशित किया गया एवं आदिकालीन सेवाओं की एक लघु नाटिका भी दिखाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमल अपार्टमेंट सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील और बीके फूल, अलवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला, बीके ममता समेत कई बहनें आयोजन का हिस्सा बनी। अवसर पर हजारों की संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें, पिछले 60 वर्षों के अंतराल में राजस्थान के कोने कोने में जैसे जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, सीकर, पाली, ज्ञान सागर एमपी थिएटर में एक अलौकिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्म कुमारीज के डायरेक्टर बीके चावली, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, संगीतकार हरीश मोयल, स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु उपस्थित रही। अवसर पर बीके चावली ने बड़े ही अनुभवयुक्त शब्दों में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस ज्ञान में स्वयं के संपूर्ण परिवर्तन के लिए एवं पवित्र बनने के लिए आए और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा की याद, याद और याद। तत्पश्चात सभी ने भविष्य में होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए भी अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में केक कटिंग एवं कैंडल लाइटनिंग कर सभी ने खुशियां मनाई। हरीश मोयल द्वारा प्रस्तुत किए गए गीतों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिवाली जगमगाते हुए दीपों की रोशनी का त्योहार है। पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को गहराई से जान तथा अपने जीवन को एक नई सोच और नई दिशा दे, इस नए साल पर नए युग के आगमन का शुभारंभ करने, अपने यथार्थ
अस्तित्व को जानकर परमपिता परमात्मा से जुड़कर अपना आत्मा रूपी दिया जलाने के उद्देश्य से दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र और उससे जुड़े करीबन 150 सेवा केंद्रों से वीके बहनों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर पर्व का आह्वान किया गया। हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला, फरीदाबाद से बीके उषा, पश्चिम विहार से बीके सुषमा, मेहरौली से बीके अनुसुईया, पालम विहार से बीके उर्मिल समेत 200 से भी अधिक बीके बहनें इस आयोजन का हिस्सा बनी। सभी ने एक साथ पर्व को आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाने का संकल्प किया। रूस के बुर्यातिया में, जिसे सेंटर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है, वहाँ बीके सदस्यों द्वारा कई स्थानों पर जाकर परमात्मा का ईश्वरीय संदेश दिया गया। मॉस्को से बीके डॉक्टर एलेक्सी और बीके कटीरा ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर विभिन्न टॉपिक्स जैसे सोल कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ कर्मा, मेडिटेशन पर चर्चा कर सभी को जीवन में राजयोग को अपनाने की प्रेरणा दी। संस्था के नशा मुक्ति अभियान के साथ मध्य प्रदेश के इछावर सेवा केंद्र द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग ने मिलकर नशा मुक्ति रैली निकाली। सीहोर क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए रैली द्वारा सीहोर के संचालक, स्कूल एवं कॉलेज के स्टूडेंट्स को शामिल कर सभी को व्यसन मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। सभी अतिथियों ने अपने वक्तव्य रखे तो वही सीहोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंचशीला ने बताया कि नशे एवं बुराइयों से दूर रहने के लिए राजयोग ध्यान कैसे हमें मदद करता है एवं राजयोग करने की विधि समझाई। अवसर पर मधुबन न्यूज के रिपोर्टर बीके अंतिम ने गवर्नमेंट एक्सीलेंसी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य संतोष सोनी, प्रोफेसर कालिका डोलस, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष मेवाड़ा समेत अन्य लोगों से इस विषय को लेकर बातचीत की। जैसे आप आयुर्वेद पढ़ते हैं, इसमें नशे से मुक्त होने के लिए हमारी कुछ दिनचर्या भी सम्मिलित होती है? हाँ, नशा मुक्ति के लिए बहुत सारी दिनचर्या आयुर्वेद में बताई गई है। और मद्य सेवन करना मतलब ऐसा नहीं कि तुम नशा करो, मद्य का मीनिंग बहुत अलग होता है। अगर तुम द्रव्य के हिसाब से भी करो तो वो हेल्पफुल होता है, अगर तुम नशा के हिसाब से करो तो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर एक चीज़ के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें होती है, गुड और बैड हम दोनों देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा अपनाना चाहिए। आज व्यसन मुक्त रैली का आयोजन किया गया है अहिंसा दिवस पे, कैसे हम व्यसन से मुक्त हो सके? जब भी कोई विशेष दिन होता है तो हम अपने जीवन का एक भी व्यसन अगर छोड़ते तो हमारा जीवन बहुत सुंदर निखर के आता है। हमारे सामने अभी सर हैं, बाकी स्टूडेंट हैं। सर अभी हमको बताएंगे व्यसन से मुक्ति कैसे हो आप। जी, तो साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि किसी भी चीज़ को रोग नहीं कहा जाता, हम सिर्फ विकार कहते हैं और उसे दूर किया जा सकता है। नशा भी वही है कि उसे दूर किया जा सकता है। कोई कहता है कि मेरी जो मदिरा पान है या गुटखा पान जो हम गाँव में अक्सर देखते हैं कि छूट नहीं रहा है, परंपरा से चलता आ रहा है, वो छूट रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परंपराओं में बदलाव आ रहा है। तो उसी तरह हम अपने दैनिक दिनचर्या में अपने स्वयं के विकास को देखते हुए, अपने स्वयं के परिणाम को, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम को देखते हुए हम अपने आप को बदल सकते हैं। आध्यात्मिकता है ब्रह्मा कुमारी संस्था इस नशा मुक्त वाहन के लिए, नशा मुक्त आयोजन के लिए हमेशा सतत प्रयास करती रहती है। आध्यात्मिकता कैसे और राजयोग मेडिटेशन कैसे हमें इस चीज़ की मदद दिला सकता है? देखिए, वर्तमान में जो एक समस्या नशे की है, वैसे ही युवा पीढ़ी की एक समस्या मेंटल हेल्थ को लेकर भी है। मानसिक स्वास्थ्य आज का बहुत कम हो गया है, तो इस मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में आध्यात्मिकता बहुत अधिक आवश्यक है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।